मुख्य उद्देश्य इस बार वही हमने तो स्पष्ट बोला, शिक्षा जो स्कूल में जो सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है उसका बेहतर इस्तेमाल होगा, और हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारा 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके द्वारा हम बेहतर लोगों को बेहतर ज्ञान प्राप्त होगा, उसके लिए उनको हम ये करेंगे जो कि हमारे पास प्रॉपर प्लान है उसके लिए। और किसानों के लिए हमारा जो है सो मुख्य सब्जी उत्पादन क्षेत्र है बिहूतीपुर, तो किसानों के लिए हम जो है सो कोल्ड स्टोरेज का हर पंचायत में निर्माण करवाएंगे और उनके अच्छा तो आपका मुख्य उद्देश्य सीधा समझिए विकास, विकास हर क्षेत्र या हर क्षेत्र में हम विकास करना चाहते हैं, और हम बिहूतीपुर में ही विधायक बनने के बाद हम कंटिन्यू विभूतिपुर की जनता के बीच समय देंगे, और संसाधनों की कोई कमी नहीं, अगर पटना में मीटिंग भी होगा तो मैं अपना व्यवस्था से पटना जाऊंगा और मैं पुनः रात विभूतिपुर में ही बिताऊंगा। अच्छा, यही हमारा जैसे लक्ष्य है, और विभूतिपुर में जब हम ज्यादा समय देंगे तब हम बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह से कोई भी आदमी अपने गाय को ही या अपने खेत में ही ज्यादा समय देते हैं तो उनका फसल अच्छा होता है, उसी तरह से जब हम अपने जनता के बीच समय देंगे तो हमारी जनता का विकास बेहतर होगा। अच्छा, वर्तमान सरकारें जो हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रही हैं एनडीए में है नीतीश जी और ये मोदी जी, जदयू और बीजेपी साथ में है सरकार बना रही है, और ये कि हमारे आजकल में बिहार में काफ़ी विकास हुई है, आपको क्या लग रहा है बिहार में विकास हुई है? देखिए सर, इसके विषय में मैं एक स्पष्ट बात कर देना चाहता हूँ, अपना मियाँ मिठू सब बनते हैं। अरे विकास आपने किया है, आपको बोलने की क्या जरूरत है, वो तो जनता ने बोलेगी देखिए आपने विकास किया है या नहीं किया है, ये अधिकार जनता के पास है, ये अधिकार किसी पार्टी किसी नेता के पास नहीं है जो कि हमने विकास किया है, ये अधिकार जनता के पास है और जनता तय करेगी जो कि कौन नेता कौन मुख्यमंत्री विकास किए है या नहीं किए है, ये बस जनता को जितना है और 3 तारीख को तय करना। सर, दोनों पार्टी घोषणा कर रही है, मैनिफेस्टो में दोनों जोड़ दिया है, पहले जुड़ा नहीं था लेकिन पहले राजद का जुड़ा हुआ था मैनिफेस्टो में कि 10 लाख नौकरियां हम पहले देंगे, हमारी सरकार बनेगी 10 लाख देंगे, उसके बाद एनडीए ने विरोध किया उसका, उसके बाद फिर अब एनडीए ने घोषणा कर दिया कि मैं 19 लाख लोगों को 19 लाख बेरोजगारों को मैं नौकरियां दूंगा, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? हम स्पष्ट कहना चाहेंगे दोनों ठग हैं और दोनों एक दूसरे का ये क्या कहते हैं चुनावी मतलब लोगों को ठगने के लिए वो 10 लाख कर रहे हैं तो वो 20 लाख करेंगे, हो सकता है कोई दूसरा आदमी 50 लाख कर देंगे, आप कितना कर दीजिएगा? देखिए हम इसके विषय में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, वैसे तो हमारा स्पष्ट मानना है कि सारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ये नहीं कि 10 लोगों से ही 10 लाख लोगों से ही बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है, 1 लाख लोगों से ही 20 लाख लोगों से ही बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है, सारे लोगों को रोजगार चाहिए, सारे लोगों को अच्छा पैसा उनके घर में आना चाहिए और सारे लोगों का बेहतर जीवन होना चाहिए, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, ऐसा नहीं कि 10 लाख का साथ 10 लाख का विकास, अगर 10 लाख लोगों से उनको अगर गोटते अगर वो बन रहे हैं तो 10 लाख केवल उनको दें अन्यथा और सब लोग छोड़ दे, 20 लाख लोग उनको वोट दे दे कोई दिक्कत नहीं है, पूरे बिहार में 20 लाख वोट ले भी लेंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्र में इस बार चुनाव में, ये चर्चा का विषय कि आप दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव। देखिए दोनों भाई हम अपने आप में कंपटीशन कर रहे हैं, नहीं तो कंपटीशन और कंपटीशन हमारा यह है अपने अपने क्षेत्र का विकास, और हमारा ननिहाल जो है सो गांवपुर पड़ता है, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो कि वहाँ गांवपुर में भी हमारे नाना जी का कोई लड़का नहीं है। गांवपुर कौन सा विधानसभा क्षेत्र में? वो गांवपुर है, उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अच्छा। तो दोनों भाई को अपना अपना क्षेत्र मिल गया है काम करने के लिए, और हम दोनों भाई अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। और चर्चा कर लेना चाहूंगा कि बिहार में जो आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? अभी लगभग हमारी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें अभी 3rd चरण का ये स्क्रूटनी होना बाकी है, और वो हो करके पूरा जब क्लियर हो जाएगा तो हम आपके माध्यम से लोगों को बता देंगे। अच्छा, चुनाव कराने का कोई चांस नहीं? चुनाव आप बिहार में लड़ रहे हैं, आपने बताया 100 सीटों पर, जो अभी स्क्रूटनी बाकी है
तो आप बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं किसी के साथ लड़ रहे हैं अकेले लड़ रहे हैं? नहीं, अभी हम पहले ही हमने कहा स्वावलंबी आत्मनिर्भर, अच्छा तो अभी हम अपने दम पे, हाँ अपने दम पे लड़ रहे हैं। अच्छा तो सर, ये आपके लंबे लंबे मूंछे हैं और ये बड़ी बड़ी बाल है, इसके पीछे क्या कारण, क्यों आप इतने बड़े दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, बाल और बाबा बने हुए क्या? देखिए, आप जब ऐसा क्वेश्चन पूछ ही दिए हैं तो हम आपको बता ही देते हैं। नहीं आता है, नहीं ये हो सकता है कि सुशांत कुमार कहीं के कोई बाबा जी तो नहीं है, महंत तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पब्लिक को बताना चाहेंगे कि ये आप अध्यात्म से तो नहीं जुड़े हो। देखिए, अध्यात्म तो जो है सो एक तरह का समझ लीजिए जो कि मैनुअल होता है, जिस तरह से जो है सो कोई मशीन को चलाने के लिए उसका मैनुअल दिया जाता है, उस तरह से मेरा मानना है क्योंकि आदमी को चलाने के लिए भी कोई ना कोई मैनुअल होता है और सब लोग अपने अपने मैनुअल से चलते हैं, तो उसके विषय में हम विशेष अभी इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहेंगे। खासतौर से आपने जो चर्चा किया है जो कि बाल और दाढ़ी के विषय में, तो हमने संकल्प लिया है विभूतिपुर के विकास के लिए और हमने संकल्प लिया है बिहार के विकास के लिए, और मैं जब तक ये शासन सत्ता में जो लोग हैं इनको मैं जब तक उखाड़ नहीं फेंकता हूँ तब तक ये हम संकल्पित हैं जो कि बिहार के विकास के लिए, विभूतिपुर के विकास के लिए हम वो सब कुछ करेंगे जो हमें करना चाहिए। अच्छा, दाढ़ी मूंछे रखने का जो आपका उद्देश्य कि आप संकल्पित हैं जी, आप विभूतिपुर का विकास देखना चाहते हैं, आप पूरे बिहार का विकास देखना चाहते हैं जी। अच्छा, अध्यात्म से भी जुड़े हुए? नहीं, आप चाणक्य का नाम सुने होंगे और आप चाणक्य जानते होंगे जी, और चाणक्य का स्पष्ट मानना है, और जो लोग भी चाणक्य को जानते होंगे उन्होंने खुली शिखा रखी थी और घनानंद जो था उसको जब तक उन्होंने बर्बाद नहीं कर दिया, घनानंद, और उसी तरह से अभी जो शासन सत्ता में जो लोग हैं मैं उनको जब तक बर्बाद न कर दूं तब तक मैं भी संकल्पित हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे दाढ़ी और जी, और इसी के लिए हमारा जनता से ये निवेदन है जो कि वो हमारे साथ आए और इस शासन सत्ता परिवर्तन में हमारी भागीदारी में का वो हिस्सा बने। अच्छा, अंत में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। अच्छा, तो आपको एक अच्छा लोग पाना है तो आपको बुरा लोग को खोना होगा। अच्छा, धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये आपने देखा सुशांत कुमार जो विभूतिपुर विधानसभा से इस बार भावी विधायक प्रत्याशी हैं, इनका नामांकन भी हो चुका है, चुनाव प्रचार भी काफ़ी जोरों शोर से कर रहे हैं, और मैं एक आपको बात बता दूँ, रोचक बात है कि ये सुशांत जी जो है ये दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी मिला है दोनों भाई चुनाव लड़ रहे हैं, एक विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से और एक उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो सुशांत सिंह बिल्कुल युवा हैं, काफ़ी जोशीले हैं और ये संकल्पित भी हैं कि विभूतिपुर का विकास देखना चाहते हैं, बिहार का विकास देखना चाहते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी इनकी पार्टी बिहार में कहां तक अपना स्थान बना पाती है, कितना सीट ले पाती है। कैमरामैन विकास के साथ में मुकेश कुमार, SBN न्यूज समस्तीपुर। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।